Hello viewers, so just like you can see, I am in Kochi and you all know, right? Nothing can keep me away from water. So this is Samriddhi, this is my sister's home. So they had shifted to this home during lockdown itself, but because of this lockdown only we couldn't come during her house warming and all. So finally, after things have changed and I also got relocated to Bangalore. Now it's pretty near to Bangalore itself. It's just an overnight journey. It's the first time I'm coming to visit her after COVID. So last Saturday again, just after coming to Kochi, we started for our weekend outing. So again, Kochi is like the biggest city in Kerala, although it's not the capital, but it is the de facto capital of Kerala. It's the largest city. It has a big international airport. It has its own metro, which is very surprising for a small city like Kochi. So I won't be showing you much of the urban development for which Kochi is famous for. I mean the roads and all, you will just get to see the villas and all around Kochi. So each house is like, I mean, if you like one house, with the very next house will just change your view. So all the houses are extremely pretty here, just like my Didi's house. So pretty soon we were near the first beach in Kochi, which is Kannamalli Beach. So I have been here last time also. So this used to be a pretty secluded place, not a lot of people would come here, but then I think due to COVID and all, the common beaches which are around Fort Kochi and all, so those are, what to say, I mean a lot of police vigilance would be there. That's why most of the localites and small scale tourists like me are coming to Kannamalli Beach only. So I'll just let you enjoy the beauty of this beach for some time.
So if you know me, you would know pretty well that nothing can keep me away from water. The moment I see water, अंदर में चुल मच जाती है कि पानी में जस्ट घुसना है, कपड़ा हो ना हो, आसपास कोई हो ना हो. और यह भी सेम चीज़ ही हुआ, पानी मिलते ही पानी में कूद गया. तो हल्का फुल्का नहाने के बाद पास में एक क्यूट सा नया करके एक रिजॉर्ट बना हुआ था. इट्स नॉट ए रिजॉर्ट, इट्स जस्ट ए सी साइड शैक. तो वहाँ पे चाय वाय मिल रहा था तो चाय भी पी लिया. तो फर्स्ट डे का बीच वाला व्यू, बीच वाला साइट सीइंग यहीं पे ख़त्म होता है. तो थोड़ा सनसेट तक हम लोग वहाँ पे रुके. रुकने के बाद हम लोग फोर्ट कोची चले गए. तो फोर्ट कोची ओलिविया का बहुत ही फेवरेट जगह है क्योंकि वहाँ पे सी फूड मिलता है और वहाँ पे तरह तरह के सी फूड. यहाँ पे आप देख पा रहे हो, दीज क्रैब्स आर लिटरली 500 ग्राम पीच. मतलब इतना बड़ा क्रैब तो मैंने भी इससे पहले कभी देखा नहीं था. और आप ओलिविया का देखो, एकदम हाथ से पकड़ के एक एक क्रैब उठा रही है. मतलब जिगरा है चाहिए लोगों को ये करने के लिए. मैं तो छू भी ना. क्रैब्स तो हमने लिए, इसके साथ साथ काफ़ी और टाइप के फिश भी वहाँ पे मौजूद थे. फॉर एग्जांपल आप देख पा रहे हो करीमिन, जो कि केरला का एक बहुत ही पॉपुलर फिश है, बुबू का भी फेवरेट है. तो वो अराउंड 600 रुपये किलो का आता है. प्रॉन्स में आपको मल्टीपल वैरायटीज मिल जाएगा जो आपका 400 से 700 रुपये के बीच में कुछ भी वैरी करता है. ऑक्टोपस भी था. तो ऑक्टोपस एंड स्क्विड आर लाइक ओलिविया फेवरेट, बुबू का भी फेवरेट बनता जा रहा है. और प्रॉन्स में जैसे आप देख ही रहे हो काफ़ी सारे वैरायटीज़ हैं. एडिशनली ये पता नहीं क्या क्या टाइप के सी फूड, सी फिशेस हैं, फिशेस बोल रहा हूँ, सी फिश है जो मुझे पता भी नहीं. आपको पता है, आपको मतलब मैं अपना एक सीक्रेट बता दूँ, मैं जो जो फिश मैं पहचानता हूँ उनमें से भी सिलेक्टिव फिश ही खाता हूँ. तो वो सब देखा ही नहीं. यहाँ पे देख रहे हो ऑक्टोपस भी उठा लिया उसने. तो हमने कुछ मसल्स भी लिया. यहाँ पे आप देख ही पा रहे हो क्या क्या हम लोग परचेज कर रहे हैं. तो उस दिन हम लोगों ने प्रॉन्स, क्रैब्स और मसल्स लिया. और ये तो पहला दिन का बात था, ओलिविया को और भी लेना था. तो नेक्स्ट डे हम लोग फिर से यहाँ पे आए और यहाँ पे ऑक्टोपस एंड स्क्विड भी लेके गए. तो फर्स्ट डे का एंड, बाहर के साइट सीइंग का एंड यहीं पे ख़त्म होता था. तो हमें एक छोटा सा टाइगर भी मिल गया. बिल्कुल घबराता नहीं है, ओलिविया की जैसा ही है. तो जल्दी से हम लोग वापस आ गए. तो यहाँ पे मेरे ब्रदर इन लॉ का एक फ्रेंड का घर है, मनोज उनका नाम है. तो उनके घर में उनका एक पेट टर्टल है जिसका नाम रफ रफ है. तो आप यहाँ पे देख ही पा रहे हो. बहुत बदमाश है. पूरा घर के बाहर बैल्कनी में इनका गार्डन लगा हुआ है और वहाँ पे ही ये पूरा घूमता रहता है, ढूंढने पर मिलता नहीं. तो अगले दिन आप बुबू चैम्पियन को देख सकते हो, साइकिल चलाना सीख गया, अभी एक हाथ से साइकिल भी चलाने लगा है. दिन ब दिन बड़ा ही होता जा रहा है. और दीदी का घर ना मैं बस देखता ही रहता था बाहर आके. इतना प्यारा सा घर आपको केरला में ही देखने को मिलेगा, क्यूट सा कोजी सा जगह. तो फिलहाल नेक्स्ट ट्रिप में आगे बढ़ते हैं. तो हम लोग एक ऑथेंटिक केरलाइट फूड जहाँ पे मिलता है ऐसे जगह की तलाश में निकल गए. तो ये था नेटूर टॉडी शॉप. तो अब आगे देखते जाइए क्या होता है. तो आप तो नेटूर टॉडी शॉप से व्यू देखिए, एकदम एक लेगुन के साइड में ये बना हुआ है और आप एकदम लेगुन के साइड में ही बैठ भी सकते हैं. तो बहुत जल्दी हम लोगों को, लकी थे हम लोग कि डिस्पाइट बीइंग ए संडे, लोग उस टाइम पे काफ़ी कम थे. तो जल्दी से अपना ऑथेंटिक कोकोनट वाटर भी आ गया. तो ये केरल का वन एंड ओनली कोकोनट वाटर आपको दिख रहा है. आप भी आइएगा तो डेफिनेटली इसको ट्राई करना. तो काफ़ी सारे स्नैक्स भी हमने ऑर्डर किया जिसमें आप क्रैब्स से फिर प्रॉन्स भी थे. तो नेटूर से निकल के हम लोग फिर से एक नए जगह की ओर निकल पड़े. सो यहाँ पे आप साइड में देख पा रहे हो मरीन ड्राइव कोची का. सो ये बेसिकली एक आइलैंड, आई थिंक द नेम ऑफ द आइलैंड इज़ वेलिंगडन आइलैंड. इसमें ना आप पूरा का पूरा लगून के साइड में इस टाइप से एक वॉकिंग स्पेस बना हुआ है. तो बहुत जल्दी ही हम लोग पहुँच गए कुंबालांगी. सो ये एक छोटा सा आइलैंड है कोची में ही. और इसका स्पेशलिटी ये है कि
आपको जस्ट एक रोड दिखेगा, रोड के ऊपर गाड़ी जाएगा और चारों ओर पानी ही पानी, और पानी का लेवल ऐसा आप देखोगे ना कि इट सीम्स दैट वाटर इज़ अबाउट टू क्रॉस द रोड एंड इट विल सबमर्ज द एंटायर एरिया। बट देन जितना भी बारिश हो जैसा भी हो ना, ये पानी का लेवल ऐसा ही रहता है। तो यहाँ पे एक एक्वाटिक रिजॉर्ट बोल के देयर इज अ नाइस फ्लोटिंग रिजॉर्ट, सो ये आपका रूम्स रेस्टोरेंट आप देख पा रहे हो ना, वो जो साइड में पूरा राउंड राउंड शेप का कुछ कुछ बना हुआ था, तो ये एक्वाटिक रिजॉर्ट का ही पार्ट है। तो रेस्टोरेंट एंड आपका रूम्स सारा ना पानी के ऊपर ही है, ये देखिए आप साइड में ये सब पानी के ऊपर बना हुआ है। तो हम लोग रिटर्न के टाइम पे एक्वाटिक का घुसने का प्लान बनाए हैं, आप आगे देखिए क्या होता है। तो कुमालंगी में ना एक स्पेशलिटी, आपको जैसे बोला ये चारों ओर खाली पानी ही दिखेगा और व्यूज इतना अच्छा है ना कि आप जस्ट रुक रुक के देखोगे। यहाँ पे देखिए पानी के ऊपर एक छोटा सा हट बना हुआ है, आई थिंक दिस इज समथिंग दैट द फिशरमैन ऑफ द एरिया वुड यूज। तो यहाँ पे रात में रुक के शायद फिशिंग विशिंग करता है, तो इट्स सच ए नाइस प्लेस। और यहाँ पे देखिए और एक है, तो ये जगह अगर मुझे अकेले को रहने को मिल जाए ना तो मैं भी रह लूँ इसमें। तो कुमालंगी का और एक अर्बन लेजेंड में बताता हूँ, बताया जाता है कि 2004-05 में जो सुनामी हुआ था ना उसी से पानी का ये लेवल बना था, बट देन अर्बन लेजेंड ही है। तो जैसा कि आप लोगों को बताया था एक्वाटिक रिजॉर्ट में हम लोग रिटर्न के टाइम अंदर जाने वाले थे, तो एक्वाटिक रिजॉर्ट जैसे आप देख रहे हो बस गाड़ी जाने का सड़क ही आपको दिखेगा। और ये कोकोनट फैंसी है ना, तो ये कोकोनट ट्रीज़ को आप देखो इधर उधर किसी भी एंगल में निकलता हुआ रहता है। तो हम लोग सोचे थे यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, कॉफ़ी ऑफिस सिप करेंगे, बट आप देखिए अभी क्या होता है, आया और देखा कि रिजॉर्ट आपका मेंटेनेंस के लिए क्लोज्ड है। सो क्या करें, किस्मत का आड़ा, जस्ट बाहर से ही व्यूज़ का मज़ा लेके हम लोग फिर से एक्वाटिक रिजॉर्ट से निकल गए। देखते हैं कॉफ़ी शायद कहीं और पे ही खाना पड़ेगा। सो एक्वाटिक रिजॉर्ट में तो हम लोग कॉफ़ी सिप कर नहीं पाए, तो रिटर्न के टाइम पे ना एक हेरिटेज मैथनम बोल के एक रिजॉर्ट है जो आपका जस्ट जहाँ पे कोची से कुमालंगी का ब्रिज कनेक्ट होता है ना वहीं पे ये रिजॉर्ट है, तो वहीं पे हम लोग रुक गए। इट्स ए रियली नाइस प्लेस, दीदी लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे पहले भी वो लोग आए थे और एकदम आपका अगेन। सो सारे जो अच्छे लोकेशंस हैं ना कोची में, तो दीज आर ईदर नेक्स्ट टू द सी शोर और कोई लगून के एकदम साइड में, तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसा ही मिला। आप देखिए आगे में क्या दिखता है। तो रिजॉर्ट गुस्से में अंदर तो गया नहीं क्योंकि हम लोग स्टे नहीं करने वाले थे, ऑब्वियसली बाहर से ही दिखाना पड़ेगा। तो रिजॉर्ट के लॉन में एक अच्छा सा पूल भी है, तो अगर अच्छा टाइम लेके अगर आते हैं ना तो यहाँ पे पूल में भी उतर सकते हैं, बट उतरे नहीं है खैर, और मे बी कोविड की वजह से शायद बंद भी होगा, पूछा भी नहीं है किसी को। सो एनीवे लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हो रिजॉर्ट का लॉन यहाँ पे ही है, और यहाँ पे काफ़ी सारे टेबल्स एंड चेयर्स लगे हुए हैं जहाँ पे बैठ के हम लोग मस्त कॉफ़ी सिप करने वाले हैं। यहाँ पे जीजू को देखिए और दीदी को देखिए, पूरा टशन में बैठा हुआ है आई तो ठीक है। तो आप देखिए कि इसके ऑपोजिट में भी पूरा लेगून में ना आपको फिशिंग नेट्स ऐसे लगा हुआ ही दिखेगा, तो इन्हीं नेट्स से फिशिंग होके ही तो फाइनली जाके फोर्ट कोची जैसे मार्केट में सारे सी फूड्स मिलता है। तो ऐसे ही पूल का थोड़ा और व्यू लेते हुए हम लोगों का स्नैक्स आ गया, तो स्नैक्स में बेसिकली हम लोगों ने कुछ पकोड़ा ही लिए थे और साथ में अगेन जो कॉफ़ी हम एक्वाटिक रिजॉर्ट में पीने वाले थे ये भी पिया, साथ में एक
प्यारा सा बिल्ली यहाँ भी आ गया, पर ये वो टाइगर जैसा नहीं था जो फोर्ट कोची में हमें मिला था। ये तो डरा हुआ था, इसको छू भी नहीं पाया। एनीवे, तो थोड़ा सा कॉफ़ी और पकोड़े के बाद हम लोग फिर निकल गए, थोड़े रोड्स का व्यू फिर से अपने मेमोरीज में लेते हुए हम लोग अपने रिटर्न ट्रिप टू समृद्धि चले आए। इस बार बहुत ज़्यादा घूमे तो नहीं, फिर भी कुछ अच्छे छोटे से मेमोरीज क्रिएट कर ही लिए। फिर से हम लोग मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।